हेलो हेलो, हाँ हाँ, ये कंफर्म्ड मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। ही डाइड ऑन द स्पॉट। नहीं नहीं, नाइट्रोमेड यूज किया था, एसी में फिट किए थे और रिमोट से ब्लास्ट किया। हाँ ओके, आई विल डू इट। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। हाई कमान से ऑर्डर आया है बॉडी को दिल्ली ले जाएंगे। ऐसे कैसे? लेकिन सर, उनकी डेथ हमारे स्टेट में। सर दामोदर, सुनिए, एयरपोर्ट जाके प्राइवेट जेट का। आप मेरी एक बात तो सुनिए सर, प्लीज टेक हिम आउट। ये हमारे राज्य का अपमान है। आइए सर, प्लीज सर, बाहर आ जाए। इसमें हमारी क्या गलती है? प्लीज यहाँ से निकल जाइए सर। क्या हुआ? हालात ठीक नहीं है, आपकी हिफाजत जरूरी है, जल्दी यहाँ से निकल जाइए। ठीक है। ये हो क्या रहा है? सुभाष, हालात बहुत पेचीदा है। आपकी रक्षा मेरी ड्यूटी है, प्लीज जिद मत कीजिए, निकलिए यहाँ से। उनकी जिंदगी से बढ़कर मेरी सेफ्टी है क्या? मेरी पार्टी के वर्कर्स ठीक है कि नहीं? बॉम्ब ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हुई है सर, इसके अलावा 15 लोग भगदड़ में भी मारे गए हैं। उनकी बॉडी कहाँ रखी गई? इसी हॉस्पिटल के दूसरे ब्लॉक में। हम हैंडल कर लेंगे सर। अरे छोड़ो। भाभी, सुभाष मेरा घर नहीं पहुँची, फोन भी नहीं लग रहा उसका। वो तुम्हारे साथ है ना? नहीं, वो मेरे साथ नहीं है। शायद वो कहीं फंस गई होगी, मैं यही वेट करती हूँ। मरने वालों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, ऑफिसर्स लगे हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ सर, कैसे हो गया? हमें इसकी बॉडी स्टेज के पीछे मिली, फोन लेने पार्किंग लॉट में गई थी, पर भगदड़ में कुचली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चोकिंग और दम घुटने से मौत हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, हमने अपने पुलिस के 2 यूनिट्स और मंगवा लिए हैं, और तब तक ऐसा कीजिए, आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहीं रुकिए। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब हो क्या रहा है? आपको डायरेक्ट बोलने के लिए सब हिचकिचा रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। हमें सूचना मिली है कि बॉम्ब ब्लास्ट में इंद्र गुप्ता जी की मौत हो गई है, और इसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। इस ब्लास्ट के पीछे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। आशंका नहीं, ये सच्चाई है। दीपक मेहता और डेप्यूटी सीएम गहरे दोस्त हैं। इस बॉम्ब अटैक के लिए उन्होंने दीपक को 4,000 करोड़ का लोन भी दिलवाया। अगर दीपक देश छोड़ के नहीं भाग गए होते तो विपक्ष के करतूत बताकर केस बंद कर चुके होते। पर किसी नेता को मारने से डेप्यूटी सीएम को क्या फायदा होगा? एक नेशनल नेता को मारने से यहाँ की पार्टी को सिंपति वोट मिलते हैं। सीएम अपने बेटे के नेतृत्व में लड़े जाने वाले पहले इलेक्शन में कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। पता है आपको, ब्लास्ट होने के ठीक पहले श्रवण जी को एक कॉल आया था। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि दीपक मेहता का था। ये इन्फॉर्मेशन एकदम पक्की है, CBI से जांच करवानी चाहिए। मेरे पास अपने बेकसूर होने के सारे सबूत है। और तू वहाँ से निकल जल्दी, कम ऑन। तुम्हारे बारे में यहाँ लोग उल्टी सीधी बातें कर। समझो श्रवण, तुम्हारी जान खतरे में। संतराम, आज शाम तक घर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कह रहे हो? घर की लक्ष्मी की अर्थी अभी तक उठी नहीं है, ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रख रहे हो? राख हो जाने के बाद आग बुझाना व्यर्थ है। जी सर, सीएम के घर पर हूं, मीटिंग शुरू नहीं हुई।
सुभाष, प्रेस मीटिंग का ऐलान करने के बाद भैया अपने कमरे में चले गए। सारे प्रेस वाले आ गए। हम लोग कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं पर भैया जवाब ही नहीं दे रहे हैं। डर लग रहा है मुझे। सर, सर, दरवाजा खोलिए सर, सर, दरवाजा खोलिए सर। क्या हुआ भाभी? दरवाजा नहीं खोल रहे। भैया, भैया, भैया लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार गुप्ता जी के मर्डर के पीछे डिप्यूटी सीएम का हाथ था। ये कैसी साजिश है इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। के आसपास भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पुलिस भीड़ को शांत रखने में। इस घटना के बाद स्टेट में एमएस के पार्टी के सभी दफ्तर बंद हो रहे। बड़ा बेटा बाप को कंधा देता है पर आज ये बाप अपने बेटे को कंधा देगा। सुभाष, भीड़ को काबू करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। वो कुछ भी करने को तैयार है। आप बॉडी को जल्दी से ले जाइए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, आगे बहुत ज्यादा रिस्की है, आप पीछे वाले गेट से निकल जाइए। भारद्वाज, क्या बकरा है? फिर से बोल के देख। आपकी सेफ्टी के लिए ये कह रहा हूँ सर, सिचुएशन क्रिटिकल है, प्लीज मेरी बात समझिए। मेरा बेटा चोर है? वो कोई टेररिस्ट है क्या? ये सड़क पे पड़ा रात है, बताओ क्यों जा रहे हैं पीछे से? समझने की कोशिश कीजिए सर, वो आपको दोषी मान रहे हैं। हजारों लोग हैं सर बाहर, कईयों के हाथ में हथियार भी हैं। हम बेबस हैं, लोग आग बबूला हो रहे हैं सर। तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मैं दिल्ली फोन लगाता हूँ। लावारिस की तरह ले जा रहे हैं। अभी तो उसका जीवन शुरू होने वाला था। चलता हूं साले साहब। सुभाष, भाभी ने दो दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे ही चुपचाप बैठी है। मुझे चिंता हो रही है, जाके बात करूँ ना? नेक और ईमानदार थे वो। जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा, दिल से मासूम बच्चे की तरह थे। लेकिन देवता मानने वाले भी उनसे एक दिन में नफरत करने लगे, गालियां तक दे रहे उन्हें, जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। जिसने भी मेरे पापा को मारा उसे छोड़ना मत चाचू, जैसे हम रो रहे हैं उसे भी रुलाना। हाँ बोलो। सुभाष, वो नंबर याद है जो मीरा ने मरने से पहले अपने हाथ में लिखा था? उस गाड़ी का पता चल चुका है, वो गाड़ी जहां से खरीदी उसका भी पता लग गया है। तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पे। आप उसको सजा देना चाचू। दो दिन पहले एक लड़की और दो आदमियों ने यहाँ से वैन खरीदी थी। सारे डॉक्यूमेंट्स बोगस निकले, यहाँ का एक भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। पर हाँ, एग्जिट का एक छोटा सा फुटेज मिला है हमें, लेकिन उसमें भी किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। सर जरा यहाँ पॉज कीजिए, थोड़ा रिवाइंड कीजिए, स्टॉप, ज़ूम कीजिए। ये टैटू कहीं देखा है? भरत, भाई के मौत के दिन मैंने इसे घर पर देखा था, ये कौन हो सकती है? तुम्हारे रिलेटिव्स के अलावा वहाँ पार्टी वर्कर्स थे, अगर कोई अनजान लोग थे तो वो प्रेस और टीवी मीडिया के लोग थे। जहां तक मुझे याद है एंट्री पॉइंट पे सबने साइन किया।
वो देखो, बहुत गौर से देखना, वही है ना, वो अंदर आई थी पर वो दूसरे जर्नलिस्ट के साथ बैठी नहीं। भाई के सुसाइड के बाद सब लौट गए, फिर वो अंदर से बाहर आकर भीड़ में कहीं गुम हो गई। सबके साथ आई थी वो और उन्हीं के साथ बाहर चली गई, पर बीच के 15 मिनट वो मिसिंग थी, ठीक मेरे भाई की मौत के समय। ये लड़की गुप्ता जी, मीरा, भैया, इन तीनों की मौत में ये लड़की एक कॉमन फैक्टर है। टॉप न्यूज चैनल की रिपोर्टर मालती के साथ पार्ट टाइम फोटोग्राफर बनकर आई थी। अगर हमें मालती मिल जाए तो ये भी मिल जाएगी। सर, हमने न्यूज चैनल जाकर इंक्वायरी की, जिस मालती की आपने बात की थी वो दो दिन से ऑफिस नहीं आई। ऑफिस नहीं आ रही, क्यों? ये पता नहीं चला सर। आपके भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई थी पर उसकी लाश ही वापस घर आई। वो स्कूटर पर थी, पीछे से एक ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचल डाला। क्या इसी दिन के लिए उसे बाल पोस के बड़ा किया था? भाई साहब, उनकी कोई फ्रेंड है जिनकी गर्दन पर एक टैटू है? वो लड़की जिसकी गर्दन पर टैटू जी, दो दिन पहले उससे दोस्ती हुई थी, बहुत प्यारी बच्ची थी। आपके भाई की मौत के दिन वो लड़की मालती के साथ फोटोग्राफर बन के गई, पर उसके बाद फिर कभी नहीं आई। भाई साहब, आपकी बेटी की कोई डायरी या फोन मिल सकता है हमें चेक करने के लिए? मालती को डायरी लिखने का शौक नहीं था, एक्सीडेंट के दिन उसका फोन टूट गया था। सुभाष, इस केस में अब हमारी आखिरी उम्मीद ये फोन ही है। बहुत चालाक है, फोन को फॉर्मेट कर चुकी है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मुझे लगा ही था, गूगल ड्राइव में हमेशा बैकअप रहता ही है, उसकी ईमेल से ट्राई करो। ओके। यस, फाइल्स का बैकअप मिल गया, कॉपी कर लो। व्हाट? ये लड़की बहुत स्मार्ट है, हमसे एक कदम आगे चल रही है, सारा का सारा डेटा हैक कर रही है वो। आखिरी की जितनी भी फाइल्स थी वो पहले डिलीट की, इसे ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा। ढूंढ निकालेंगे, उसकी यूजर लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करो। श्योर। मेक्सिको, मतलब वो वही है। ईरान, इंडोनेशिया, लंदन, श्रीलंका, एक साथ 5 लोकेशन। शी इज ब्रिलियंट, हमें कंफ्यूज करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर यूज कर रही है। इन 5 लोकेशन में से एक लोकेशन सही है, पर कौन सी है ये बताना मुश्किल है। लंदन। कैसे पता चला? तुम्हें वो रजिस्टर साइन करने वाला फुटेज याद है? उसमें मैंने उसका मोबाइल फोन देखा था, उसमें 2 टाइम जोन्स दिखा रहे थे, 4.5 घंटे का डिफरेंस था। इन 5 लोकेशन में से 4.5 घंटे की डिफरेंस वाली जगह और कोई नहीं, लंदन ही है। मेरे भाई की मौत के दिन लंदन जाने वाले जितने भी पैसेंजर्स हैं उनकी लिस्ट चेक करो, उसका पता चल जाएगा। सर, उसी दिन वो लड़की ब्रिटिश एयरवेज से लंदन गई थी, उसके सारे डिटेल्स इस फाइल में है सर। उसका नाम कायरा है, शी इज अ प्रोफेशनल किलर, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बाय द इंटरपोल। जहां तक पता लगा है वो लंदन में बेस्ड है, पर ना उसके ठिकाने का पता चला है ना अगले टारगेट का। अब वो मेरी टारगेट है, पर बिना किसी क्लू के उसे ढूंढोगे कैसे? और तो और उसका पासपोर्ट भी नकली है, फेक है, जाहिर है उसमें लिखा हुआ एड्रेस भी फेक होगा, कैसे ट्रेस करोगे? आई हैव नो ऑप्शन, भागने वाले की पूरी दुनिया है और पीछा करने वाले का एक ही रास्ता।